बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जोशीमठ के बाद जम्मू कश्मीर में भी पड़ी दरारें। कश्मीर के डूडा के घरों में पड़ी दरारें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया को जानकारी दी है। आपको बता दें कि समस्या पर प्रशासन की पैनी नजर है, ऐसा कहना है मनोज सिन्हा का। तो एहतियातन कई घरों को खाली कराया गया है। दिसंबर में एक मकान में दरारों की सूचना मिली थी। अब तक 6 इमारतों में दरारें आई हैं, तो नीचे की ओर इलाका जा रहा है और इसका बचना मुश्किल है, ऐसा कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से, जहां जोशीमठ के बाद जम्मू कश्मीर में भी दरारें आई हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के डोडा के घरों में भी दरारें आई हैं। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया को जानकारी दी है। उनका कहना है कि समस्या पर प्रशासन की पैनी नजर है, एहतियातन कई घरों को खाली कराया गया है। तो दिसंबर में एक घर में दरार की सूचना मिली थी और अब तक 6 इमारतों में दरारें आ चुकी है। तो बड़ी खबर आपको कश्मीर के डोडा से बता रहे हैं, जहां कश्मीर के डोडा के घरों में दरारें आई हैं। तो आपको बता दें कि नीचे की ओर इलाका जा रहा है और ऐसा कहना है कि इसका बचना मुश्किल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोशीमठ के बाद कश्मीर में भी दरारें नजर आने लगी। आपको बता दें कि कई मकानों में दरारें जो है वो आने लगी है, जिससे रहवासी जो है वो भयहीन नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंतित है रहवासी। और इसी पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया को जानकारी दी है। उनका कहना है कि समस्या पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से कई घरों को खाली कराया गया है, कई लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि कोई भी हादसा हो उससे पहले प्रशासन जो है वो सतर्क रहे और समय पर सभी लोगों को उचित जगह पर व्यवस्थित किया जा सके। तो आपको बता दें कि मौके पर निरीक्षण करने के लिए भूगर्भ वैज्ञानिक भी पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो जोशीमठ के बाद जम्मू कश्मीर में भी दरारें पड़ी हैं। कश्मीर के डूडा के घरों में दरारें सामने आई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया को जानकारी दी है। आपको बता दें कि समस्या पर प्रशासन की पैनी नजर है। तो मौके पर प्रशासनिक अधिकारी साथ ही भूगर्भ वैज्ञानिक भी घटना की स्थिति को जांचने में जुटे हैं कि आखिर क्या कुछ वजह रही जिसके चलते मकानों में दरारें आई। आपको बता दें कि सबसे पहले दिसंबर में एक मकान में दरार दिखी थी, इसके बाद अब 6 इमारतों में इस तरह की दरारें सामने आई है और दरारें आने से रहवासी जो है वो चिंतित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने आपको बता दें कि कई इलाकों को और कई घरों को खाली कराया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इलाका जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और अब भूगर्भ वैज्ञानिक इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है जिसके चलते मकानों में लगातार दरारें आ रही हैं। तो एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें जोशीमठ से निकलकर सामने आई थी, जहां कई दर्जनों कई मकानों में जो इस तरह की दरारें थी वो सामने आ रही थी, अब ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा से भी सामने आई है, जहां दरार आने के चलते जो आप देख सकते हैं कि जो मकान है वो धंसने लगे हैं, गिरने लगे हैं, बिखरने लगे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जोशीमठ के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की दरारें पड़ी हैं। अब भूगर्भ वैज्ञानिक मौके पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं कि क्या कुछ वजह है जिसके चलते जमीन सक रही है और इन मकानों में दरारें आ रही हैं।